नमस्कार दोस्तों, पेश है प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें। जानलेवा आटा। उदयपुर में निर्जला एकादशी के मौके पर कांगड़ी के आटे का सेवन करने पर 60 से अधिक लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सोमवार शाम शहर के हाथीपोल, जगदीश चौक और घंटाघर इलाके में अचानक लोगों को पेट दर्द, उल्टी, दस्त और चक्कर आने लगे, जिसके बाद आनन फानन में चार दीवारी इलाके में रहने वाले दर्जनों लोगों को एमबी अस्पताल ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में मरीज देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गए। महामारी में अनियंत्रित हुआ घूस का संक्रमण। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने कोरोना काल की दूसरी लहर के कुछ कमजोर पड़ते ही एक के बाद एक घूसखोरों की धरपकड़ शुरू कर दी। देखते ही देखते सिर्फ 16 दिनों में प्रदेश भर में 27 सरकारी अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते पकड़ा। कोरोना काल के रिश्वत के मामलों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। प्रदेश को मिली सौगात। प्रदेश के लिए अच्छी खबर है कि रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को चौथे टाइगर रिजर्व के तौर पर NTCA ने मंजूरी दे दी है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डर मोहन लाल मीणा ने मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के मुताबिक पिछले दिनों इसके प्रस्ताव तैयार किए थे। 12वीं रिजल्ट प्रैक्टिकल्स एग्जाम लेने की तैयारी में है RBSC। RBSC ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनाने का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत 10वीं के स्टूडेंट्स को 8वीं और 9वीं के एग्जाम में मिले मार्क्स के आधार पर ही मार्क्स मिल सकते हैं। 12वीं के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल्स एग्जाम देना ही होगा। सोमवार को जयपुर में मार्किंग कमेटी की बैठक में इस तरह के प्रस्ताव तैयार किए गए हैं, जो अब शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा को सौंपे जाएंगे। इस कमेटी की मंगलवार को फिर से बैठक होगी, इसके बाद अंतिम फैसला हो सकता है। BJP राज की स्कूल ड्रेस बदलेगी गहलोत सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार BJP के समय की सरकारी स्कूलों की यूनिफॉर्म बदलने की तैयारी कर रही है। जल्द ही 80 लाख सरकारी स्कूली बच्चों की ड्रेस बदली जाएगी। इस बार सरकार सभी सरकारी स्कूली बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देगी। मुख्यमंत्री ने हाल ही इसे मंजूरी दी है। अभी यूनिफॉर्म में कत्थई रंग की पैंट और शर्ट भूरे रंग की है, इसका रंग बदला जाएगा। गुटबाजी को थामने का प्रयास। जयपुर पहुंचे प्रदेश प्रभारी बोले, भाजपा में नहीं कांग्रेस के अंदर चल रहा है घमासान। राजस्थान में मौसम विभाग का पूर्वानुमान। प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ने की संभावना। आज श्रीगंगानगर, अलवर और करौली सबसे गर्म है, 40 डिग्री से ऊपर रहा पारा। सरकार की अनदेखी। CHO भर्ती, नए अभ्यर्थियों का कोर्स शुरू नहीं और कोर्स कर चुके उम्मीदवारों को अब तक पोस्टिंग भी नहीं। पायलट खेमे को नारायण का साथ। पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा, कार्यकर्ताओं ने पसीना बहाया तब जाके सरकार बनी। पार्टी का झंडा बुलंद रखने वालों की सुनवाई करे आलाकमान। अनलॉक 3। जल्द जारी होंगी गाइडलाइंस। शादी व मल्टीप्लेक्स पर रोक हट सकती है और संडे कर्फ्यू जारी रहेगा।